पंजाब दे विच लगातार कोविड-19 की करोना वायरस के पेशेंट वधदे जा रहे हैं। जेकर आप गल करिए चार हॉटस्पॉट जिहड़े ने बनाए गए हैं जलंधर अमृतसर लुधियाना ते मोहाली, इन्हां दे विचों जलंधर दे प्रशासन वालों अज एक वड्डी अनाउंसमेंट की गई है जिथे एक पासे सरकारी जिहड़े हस्पताल ने उन्हां दे विच मैडिकल फैसिलिटीज़ का लगातार सुधार किया जा रहा, उत्थे ही हुण प्राइवेट जिहड़े हॉस्पिटल्स ने जिहड़े कोविड दे लई सर्विसिज़ प्रोवाइड कर रहे हैं उन्हां दे सुधार दे लई भी जलंधर दे प्रशासन वालों एक वड्डा कदम चुक्या जा रहा है। की है कदम इस बारे च गल करनी साडे नाल मौजूद ने जलंधर के डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोड़ी, असं इन्हां नाल गलबात करते हैं। डीसी साहब, की इदां दा कदम हुण जिहड़ा चक्या जा रहा है कि जिस दे नाल जिहड़े प्राइवेट लोग इलाज करवा रहे हैं कोविड का, जिहड़े खास करके कोई पेशेंट सीरीयस भी हो जाते हैं उन्हां लई की नवे कदम चुके जा रहे हैं? देखो, जिहड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल दे इंफ्रास्ट्रक्चर दे विच इजाफा करन लई जिहड़ा अज मेन असी अनाउंसमेंट कीती है, वो ये है भी प्राइवेट हॉस्पिटल दे विच जेकर वेंटीलेटर दी लोड है ते वो साडे तो डिमांड कर सकदे ने वेंटीलेटर। सानू पंजाब गवर्नमेंट वालों दस्या गया है कि 200 वेंटीलेटर पंजाब गवर्नमेंट लैवल ते उन्हां दे कोल पए ने ते कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल मैन पावर उन्हां दे कोल अपनी होनी चाहीदी है, वो साडे तो वेंटीलेटर फ्री ऑफ कॉस्ट लै सकदे ने। कोई MOU साइन नहीं करना, कोई वो दे चार्ज नहीं करना, असी दे देंगे। साढ़े कोल इत्थे गुलाब देवी हॉस्पिटल ने 5 वेंटीलेटर मंगे सीगे, असी उन्होंने दे दते हैं। हुणे जस्ट मेरी मीटिंग IMA एसोसीएशन जिहड़े जलंधर दे डॉक्टर पॉल सीगे उन्होंने भी कहा, उन्होंने भी असी सारी स्पेसिफिकेशन दसती है किहड़े मॉडल का वेंटीलेटर है किन्ना हैगा, वो उन्होंने पहला भी दस्या सीगा भी मंग कर सकते, उन्होंने अज डिटेल भी दे दित्ती है मॉडल दी, वो मंगणगे असी उन्होंने वेंटीलेटर दे देवांगे। सो ये ऑफर सारे प्राइवेट हॉस्पिटल लई स्टैंड करदा। जे मैं गल करा जो ICU बैड्स ने, सरकारी ICU बैड्स सी उन्होंने भी कुछ इजाफा जोड़ा है वो किया गया, क्योंकि लगातार देखा जाए जलंधर में केसिस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, वो कि बैड्स हैं तो कि जगह इस वे बैड्स अवेलेबल ने? देखो, जिहड़ा सिविल हॉस्पिटल जलंधर का हैगा इस टाइम मैं कह सकदा कि असी पंजाब दे विच वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज खासकर कोविड नूं लैके उत्थे सब तो बेस्ट फैसिलिटियां होणगियां। रीज़न वो साडे दे विच ए वी सीगा कि इत्थे गवर्नमेंट मैडिकल कॉलेज जलंधर दे विच कोई नहीं है ते इत्थे बहुत ज़्यादा जरूरी सीगा भी उत्थे इंफ्रास्ट्रक्चर दे विच अपग्रेड करना। पहला असी ACS हैल्थ साहब नूं रिक्वेस्ट कीती भी सानू ये हॉस्पिटल डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल रहन दिओ। सो 340 दे 340 बैड जिहड़े असी उत्थे पाइप्ड ऑक्सीजन करवा ले सीगे, उस चों 28 बैड चल रहे सीगे लैवल 3 ICU बैड, उत्थे 12 वेंटीलेटर सीगे। फिर सानू लग्गिया भी कुछ पेशेंट सीरीयस हो रहे तो सानू लैवल 3 बैड वधाने पैणगे। सो वो असी पिछले 2 हफ्तिया दे विच 25-30 लाख का इक्विपमेंट होर लिया उत्थे, मल्टीपल पैरामीटर ते पैरा मोनीटर्स एंड ऑल सारे लैके 28 तो 56 बैड लैवल 3 दे कर ले हैं। तो 56 बैड लैवल 3 दे तुसी मानोगे ऑलमोस्ट एक मेडिकल कॉलेज दे लैवल दे बैड हो जाते हैं, जिथे इस टाइम 24 पेशेंट ने बाकी साढ़े बैड अवेलेबल ने। उत्थे असी बड़ी अल्ट्रा मॉडर्न हाई फ्लो नेसल ऑक्सीजन का सिस्टम लगाया जिहड़ी एक मशीन 2.5 लाख की आती है, तो उसके विच ऑक्सीजन की कंजम्पशन ही इन्नी है कि 10 मिनट के विच एक सिलेंडर पूरा खाली हो जाता, बट वो रिजल्ट बड़े चंगे ने। सीरीयस पेशेंट HFNO ते पाते हैं तो वो रिकवर करके पाइप्ड ऑक्सीजन लैवल तो लैवल 2 ते आ जाते हैं। सो वो असी 2 मंगा लें, 2 दा अज मैं फिर गल की 4 कर दौ उत्थे पाइप्ड ऑक्सीजन का सप्लाई ले भी 3.5 लाख की होर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर का कह ताकि बार बार वो सिलेंडर चेंज करन दा जिहड़ा वो सिस्टम ठीक हो। सो उत्थे भी साडे कोल चंगी कैपैसिटी इस टाइम साडे लैवल 1 लैवल 2 लैवल 3 सब दे विच जिहड़ी ऑक्यूपेंसी बैड की 50% तो हेठ है, तो साडे कोल सफिशिएंट बैड अवेलेबल ने। जे मैं गल करा सर, लगातार हुण जलंधर दे विच जिहड़े ने पेशेंट्स वधदे जा रहे हैं, जिवें अज दे आंकड़े की गल करा लगभग 192 पेशेंट अज दा जिहड़ा आंकड़ा सामने आ चुका होया, जदों दा अगस्त महीना शुरू होया लगातार ऑन एन एवरेज 100 दे करीब मरीज रोज आ रहा। जेकर मैं गल करा जलंधर विच RDDL लैब खुलन की, उस लैब के खुलन नाल भी जिहड़ा पेशेंट्स दे विच काफ़ी इजाफा देखा जा रहा है, तुहानू की लगता है कि इस चीज़ का की कारण है कि इन्ना ज़्यादा जिहड़ा है पेशेंट का काउंट हुण लगातार सामने आ रहा जलंधर दे विच? एक तुसी नोट करोगे कि जदों असी मैं भी जलंधर डिस्ट्रिक्ट दे विच जदों जॉइन किया उदों जलंधर की टेस्टिंग सीगी टारगेट सीगा 700, अज टेस्टिंग का टारगेट है 3100। टेस्टिंग दे साढ़े 4 गुणा तो भी ज़्यादा टारगेट वध गए ने। सो एक प्रोपोर्शनेट उहदा भी है कि जिन्हें ज़्यादा टेस्ट करोगे तो फिर उस हिसाब नाल प्रोपोर्शनेट है। बड़े ठीक है, सानू भी पता है जिहड़े साढ़े मैडिकल एक्सपर्ट्स नाल गल हो रही है, वो कह रहे हैं ये एपीडेमिक अगस्त के महीने के विच ते सितंबर का महीना, ये अगला जिहड़ा 1.5 महीना बहुत क्रिटिकल है, इसे दे विच पीक होना है। तुसीं देखोगे लुधियाने भी कल मैं बुलेटिन रिपोर्ट च 500 पॉजिटिव केस आए हैं सिंगल, उत्थे भी क्योंकि टेस्टिंग वधाई गई, लुधियाना का टारगेट इस टाइम 5000 टेस्ट डेली करता है।
सो ये टेस्टिंग का भी एक फैक्टर, प्लस दूजा पॉजिटिविटी भी बढ़ रही है। पहले जदों असी 100 टेस्ट करते 8% 9% पॉजिटिव आ रहे थे, हुण अर्बन एरिया दे विच 25-30% तक पॉजिटिव है, रूरल एरिया दे विच 10-12% पॉजिटिव है, 17-18 की एक एवरेज आ रही है, ये भी बढ़ रही है पॉजिटिविटी भी हौली हौली। तो दोनों ही रीजन है, टेस्टिंग भी बढ़ रही है, हुण पॉजिटिविटी भी बढ़ रही है, ये एपीडेमिक्स का एक ट्रेंड जहा है। इस तो बाद एक फिर पीक करके फिर सानू लगता है कि अगले 1.5 महीने के एक पीक करके कुछ दिन प्लेट्यू के चलूगा, फिर एक डाउन ट्रेंड आएगा जिहड़ा कि तुहानू होर जिथे शहर के बट साडा इस टाइम मेन फोकस आई है कि असी बैड इनश्योर करन ताकि कोई बैड की शॉर्टेज ना हो। जिद्दां तुसीं कहा कि पॉजिटिविटी रेट भी वध रहा, टैसट वधने, चलो टैसट वधनगे तो शायद जो लोग जल्दी डिटेक्ट हो भी सकते हैं, पर पॉजिटिविटी रेट भी वध रहा है, कि इसका यह मतलब मान सकते हैं कि जलंधर के जो लोग ने वो हाले भी नहीं समझ पा रहे कि किस तरीके दे नाल तुसीं कोविड तो बचा करना, हाले भी प्रिकॉशनस नहीं लै पा रहे, क्योंकि जे मैं गल करा मास्क के चलान की, उदे विच भी लगभग जो रेवन्यू 1.40 करोड़ तो उत्ते भी रेवन्यू जा चुकिया होया, कि इस चीज़ को तुसीं देखते हो कि लोगों की भी कितने कितने नैगलीजेंस सामने आती पी है। देखो बाय एंड लार्ज मैं पहला भी आप जी नाल साझा किया सीगा, कंप्लायंस मैं भी डेली मोनीटर कर रहा हूँ, तो 95% के आसपास फेयरली बाय एंड लार्ज सारे लोगों ने मास्क पाए होंगे, जिते 5% नहीं पाए होंगे वो एनफोर्समेंट चल भी रही है, ईवन इनफैक्ट रात को भी तुसी देखोगे 12-1-2 बजे सारी रात भी नाके लगे होंगे, उत्थे चलान का प्रोसेस चल रहा। हुण जिहड़ी पिछे 1.5 करोड़ चलान की अमाउंट सी वो हुण लेटेस्ट कल असी मोनीटर किया SSP रूरल पूरे जलंधर डिस्ट्रिक्ट विच हुण 2.5 करोड़ तो भी उत्ते चलान हो चुके ने। सो वो अमाउंट डेली क्योंकि चलान की ड्राइव चल रही, वो एनफोर्समेंट एक पासे है, बट मैं अपील करना चाहवागा कि जिहड़ा भी आपां बार बार रिपीट कर रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग दे नॉर्म प्रीकॉशनस दे नॉर्म, आ अगला 1.5 महीना बहुत क्रिटिकल है। सो इस टाइम 1.5 महीने तो बहुत ज़्यादा तुहानू कॉशन की लोड है, तो मैं उम्मीद करना कि आप प्रीकॉशन लवेंगे तो एक फेयर डिग्री के मेनटेन करके आप ट्रीटमेंट अवेलेबल करके शायद पीक करके उस तो बाद एक इम्यूनिटी स्टेज पर पहुँच जाएंगे। जो मैं गल करा सर हुण लॉकडाउन लैके भी जी अनलॉक में लैके भी जी नवी गाइडलाइनस आई ने, हुण वीकेंड लॉकडाउन फिर जो है वो प्रॉपर तरीके अप्लाई हो जा रहा है, जो लगातार दुकाना जी रेगूलर डेज बंद होने की जो म्याद वो भी हुण फिक्स कर दी गई है, उसके बारे थोड़ा जानकारी दो। प्लस नाल नाल कई बार देखा जाता है कि जिहड़ी म्याद सरकार फिक्स करती है, प्रशासन फिक्स करता है, शराब के जिहड़े ठेके ने अक्सर उस म्याद तो ज़्यादा वक्त तक खुले देखे जाते हैं, इस दे बारे की कहना चाहोगे? सो एक तो जड़ा हुण लेटेस्ट एडिशनल चीफ सैक्रेटरी होम वालों जी हदायत है, साडा मेरा एक परसनल तजर्बा है कि जिहड़ी पंजाब सरकार ACS होम ऑर्डर करते हैं असी SH रेप्लीकेट उन्हों कर रहे हैं, उस तो होर सीवियर वाल हाले नहीं जा रहे हैं। सो उहदे विच हुण सैटरडे भी जिहड़ा एक्सैप्ट फॉर एसेंशियल कैटेगरी जिदा मेडिसिन है ग्रोसरी शॉप है उन्होंने लैके बाकी सारा हुण खास करे 3 शहर दे विच उन्होंने लिखा जलंधर लुधियाना एंड पटियाला वो क्लोज़ रहेगा। सो क्लोज़ रहेगा, बाकी दिन जिहड़े है मंडी टू फ्राइडे जिहड़ी टाइमिंग उन्होंने रेस्ट्रिक्ट करके 8:30 बजे कर दिती है, लिकर वेंड भी उहदे विच 8:30 बजे है, तो 8:30 बजे तो बाद कोई लिकर वेंड रखता तो असी उस लिकर वेंड का चलान थ्रू ATC करावांगे एज़ पर रूल, और जिते भी साढ़े को कंप्लेंट आऊगी असी एक्शन लवेंगे। क्योंकि पिछले देखा जाए वीकेंड लाउन पहले जो निकलिया उत्ते भी गाइडलाइनस गई कि जो खासकर लोगों का बहुत कन्फ्यूजन है कि रेस्टोरेंट्स को परमिशन दी गई थी उदों टेक अवेज़ के लिए जो वीकेंड लॉकडाउन शुरू होया, कि हुण उदां दी कोई उन्होंने परमिशन हैगी है कि इस वीकेंड लॉकडाउन के कि वो प्रॉपरली बंद रहेंगे? नहीं, जिहड़ा ACS होम का ऑर्डर आया है उस दे विच लिखे कि एसेंशियल नू छड़ के बाकी सारा बंद रहेगा सैटरडे नू इंक्लूडिंग मॉल्स एंड अदर एस्टैबलिशमेंट। सो एसेंशियल्स दे विच असी ग्रोसरी शॉप एंड मेडिसिन शॉप नू लै रहे हैं, तो उन्हों छड़ के बाकी सब रेस्टोरेंट भी बंद रहेंगे, किराना ग्रोसरीज एंड जो मेडिसिन का रहेगा सर वही खुला रहेगा। डीसी साहब एक होर इस वे बहुत वड्डी पिछे जे एक खबर आई सी कि लगातार जलंधर पेशेंट बढ़ भी रहे हैं, ठीक है जी, उस तो बाद कहा जा रहा है कि 400 के करीब कुछ पेशेंट्स अजे ने जो ट्रेस ही नहीं हो पा रहे, उस तो बाद हुण जे मैं गल करा कुछ उस दे मुतलक एक अकाउंट सामने आया कि 150 तक हाले भी जिहड़े पेशेंट्स ने वो ट्रेस नहीं हो पा रहे, किसी ना किसी तरीके ना है तो सोसाइटी दे विच ही है, सोसाइटी के लिए एक कोरोना बंब का काम कर रहे हैं, क्योंकि जे वो ट्रेस नहीं होंगे या आइसोलेशन वार्ड्स नहीं पहुँचते या खुद होम आइसोलेशन नहीं लेंदे तो कितने ना कि कोरोना बंब का काम कर रहे हैं, फिर इस चीज़ को लैके प्रशासन इस वेल्ले कितना क मुस्तैद है? देखो जड़ा हुण ये अनट्रेस्ड ओदा केसिस दा है ये हुण लेटेस्ट फिगर है 400 तो ट्रेस होकर 150 दे आसपास आ गई है, क्योंकि असी उन्हां दी ट्रैकिंग च लगे हैं। प्रॉब्लम इस करके आ रही है कि पेशेंट जदों टेस्ट कराउण आउंदे है वो अपना मोबाइल नंबर कि गलती नाल लिखा दिता है, कई बार वो मोबाइल नंबर रीचेबल नहीं है जदों रिपोर्ट आती है,
एड्रेस बड़ा छोटा लिखा के, क्योंकि असी हले कोई मैंडेटरी एड्रेस प्रूफ नहीं मंग रहे हैं किसी भी पेशेंट तो। सो पिछे ये रिव्यू दे विच असी इन्हां ने डिसीजन ले भी एज़ फार एज़ पॉसिबल इन्हां तो एक एड्रेस प्रूफ लै लिया जाए तो एक ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर होर दिता जाए। सो मैं अपील करांगा भी सारियां नूं भी वो प्लीज़ अपना नंबर सही दे देन, कई बार वो नंबर ही गलत आता कोई होर पेशेंट चकद, इस करके फिर वो बाद दे विच ट्रैकिंग दे विच प्रॉब्लम आती है, तो ये पेशेंट का अपना नुकसान भी है एंड वो आले दुआले नूं भी नुकसान पहुँचा सकता है। तो डेलीबरेट डिफॉल्टर सानू जदों सामने आणगे असी फिर उन्होंने फिर एक्शन भी सानू क्रिमिनल केस दर्ज करना पएगा। सो इहनूं असी रिड्यूस करके हुण 150 तक लैके आए, तो बाकी भी इहदा सिस्टम ठीक किया भी असी ऑल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर प्लस एड्रेस प्रूफ रखे इस टाइप के अनट्रैकेबल केसिस होर रिड्यूस करिए। एंड ये सिर्फ इतों की प्रॉब्लम नहीं है, ये ऑल इंडिया की प्रॉब्लम है, हर थान पर 3 to 5% केसेज जड़े हैं। हुण इत्थे साढ़े कोल 4,500 to 5,000 के विचकार केस हो गए ने, तो ये रफली आप 1.5% लेंदे तो उस रेंज दे विच हैगा, बट असी उन्हूं होर रिड्यूस करने की कोशिश कर रहे हैं। ਅਡੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਹੋਸਪਿਟਲਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਐਡਰੈਸ ਲਿਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ, ਅਗਰ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕਿ ਜੋ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇੱਕ ਪਲੀਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੈਠਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ ਕਿ ਜੇ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਹੋਮ ਉਹਦੇ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੈਲਥ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਆਫਿਸ ਕਰਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SDM ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਵੀ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਨਕੋਦਰ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ, ਨਕੋਦਰ ਦੇ SMO ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟੀਨ 'ਚ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਸਰਟੀਫਾਈ, ਜੇਕਰ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕੋਦਰ ਦੇ ਹੀ ਕਰਕੇ ਨਕੋਦਰ SDM ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਪਟਵਾਰੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ, ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲ ਸਕੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਵਧ ਸਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਟੈਪ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਚੁੱਕਿਆ। ਇੱਕ ਡਿਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹੋਮ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੀ ਸਟੈਪਸ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਫੈਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਜਾਂ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਅਗਰ ਸਿੰਪਲ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੋਰਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ 9ਵਾਂ ਨੰਬਰ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਡੈਥ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਮੈਨੇਜ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਡੀਕਲੀ, ਐਂਡ 9ਵੇਂ ਨੰਬਰ 'ਤੇ 2.5% ਦੇ ਲੱਗੇ ਸਾਡੀ ਕੇਸ ਫੈਟੈਲਿਟੀ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ 2% ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਡੈਥ ਕੋਮੋਰਬਿਡ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਕਾਊਂਟ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੀ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ CFR 2.5% ਦੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਪਿਓਰਲੀ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਦੀ ਸਿਰਫ ਨਿਰੋਲ ਕੋਵਿਡ ਡੈਥ ਦੇਖੀਏ ਜਿੱਥੇ ਲੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਉਹ 1% ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿਡਨੀ ਦਾ ਕੋਈ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਾਉਣ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ, ਕੈਂਸਰ ਸੀਗਾ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੀ ਸਟੇਅ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ ਉਹ ਕੋਵਿਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਗਏ, ਪਰ ਡੈਥ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਆ, ਇਹ ਸਟੇਟ ਗੌਰਮੈਂਟ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਓਰਲੀ ਲੰਗ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਡੈਥ ਕਾਊਂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡੈਥ ਰੇਟ
सी एफ आर होर थले आ जाए 1% की रेंज आ जाए, बट क्योंकि ये मेडिकल प्रोटोकॉल साडा काम डिसाइड करना नहीं है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट जेकर इस डिसीजन लैंदा तो पॉसिबल ये हो सकता है। ये चीज़ जो लोगों के मन के जो मरीज कोई पॉजिटिव आ जाता शायद ये भी एक वड्डा डर का कारण बन रहा है, क्योंकि कितना कितने देखा जाए तो लोग कुछ 14-15 दिन बाद क्वारंटाइन करने बाद क्योर होंगे भी दिखाई देते हैं, रोज़ के रिपोर्ट्स आदि ने, कल 68 पेशेंट्स डिस्चार्ज हुए थे, इदा रोज़ रिपोर्ट्स आदि, बट कितना कितने लोगों के मन में डर जरूर बनता। नहीं इहदा मैं यही कहा भी डर बनन दा तां सगों इस चीज़ का जेकर मोर्टैलिटी नूं लै के आपां रिड्यूस कर पाने हैं सो ये शुड रिफलैक्ट बैटर कि मोर्टैलिटी इहदी घट है। प्लस ये भी तुसीं देखोगे हुण सैरो सर्वे भी चल रहा है, इत्थे जलंधर भी होया, हुण टीम अमृतसर गई है जिहड़ी हुण सानूं दस पाऊगी कि जलंधर दे विच सैरो सर्वे दे विच जिहड़ा टैसट हुंदा उह तुहानूं इह दस पाउंदे कि हुण तक तुहानूं कोविड हो के हो चुका है या नहीं हो चुका है, तो उस तो आइडिया लग जाता भी हुण तक लैट से जलंधर दी 20% आबादी 15% 10% जिहड़ा भी उहदा रिजल्ट आऊगा, इस तो भी एक सानू फेयर आइडिया लग जूगा। पिछे मैं देख रहा सीगा पुणे का सैरो सर्वे का रिजल्ट आया सीगा ऑलमोस्ट 50% पुणे की आबादी नूं इह कोविड हो के हट चुका है, सो इस तो तुहानूं इह भी पता आइडिया और बैटर लग जूगा कि तुसीं एपीडेमिक कित्थे जा रहे। सो मैनूं लगता है भी इहनूं लै के प्लस साडा मेन तो जिहड़ा फोकस इस टाइम यही है कि तुसीं अपनी सहूलतां होर वधा दिओ, तो मैं होर प्राइवेट हॉस्पिटल नूं भी अपील करदा, वैसे इस टाइम असी रीजनेबल कंफर्टेबल हाँ भी क्योंकि टेस्टिंग वध रही है, तो उस करके हो सकता है भी कल नूं इह साडे भी 300 पॉजिटिव आ जाण 400 पॉजिटिव आ जाण जदों तक बिफोर वी पीक, तो साडे कोल बैड्स की अवेलेबिलिटी रहे, सो ये प्राइमरी कंसर्न। एक आखिरी सवाल, पिछे जो देखा गया सी एक हॉस्पिटल ते के सामने आया सीगा कि एक्स्ट्रा पैसे लैके टेस्ट हो रहे हैं, हाले भी कुछ हॉस्पिटल से कई बार नाम सामने आ जाते हैं कि वो एक्स्ट्रा कोविड के नाते एक्स्ट्रा पैसे चार्ज कर रहे हैं, यहो जे हॉस्पिटल्स नूं लैके प्रशासन की एक्शन लेगा? सो देखो जिहड़ा एक साडे कोल पहला एक हॉस्पिटल दे टेस्टिंग दे विच ओवरचार्जिंग दी कंप्लेंट आई सीगी, ते वो असी रेकमेंडेशन अपनी एडिशनल चीफ सैक्रेटरी हेल्थ नूं भेज चुके हैं क्योंकि एक्शन उन्हां दे हथ दे विच है, सो वो क्योंकि उत्थे भी ACS हेल्थ नवे जॉइन किए ने कल परसों, सो इहदा असी फॉलोअप लै लाँगे क्योंकि साडा काम है इनकुआयरी करके फिर एक्शन लई डिपार्टमेंट नूं भेजना, बाकी असी फॉलोअप लैंदे रहांगे क्योंकि एक्शन उन्हां वल्लों। कई थावां ते मैं देखिया कि कोई स्टेट्स ने अपने ही बड़े कोविड रूल्स फ्रेम किए हुए ने, सो मैं देख रहा सीगा थाने एक हॉस्पिटल नूं 16 लाख उत्थे ही एडमिनिस्ट्रेशन वल्लों ही फाइन, मैं उत्थे भी पता कराया बट उत्थे कोई स्पैशल रूल्स फ्रेम किए हुए ने, इत्थे इस करके असी हेल्थ डिपार्टमेंट नूं ही लिख रहे हैं फॉर एक्शन अगेंस्ट द हॉस्पिटल। होर कोई भी हॉस्पिटल दी मैं कई बार सुनता भी ओवरचार्जिंग कर रहे हैं, पर जदों असी कहने भी पेशेंट नूं भी तुसी डिटेल्स दो ते कई बार वो गुरेज कर जाते हैं, ये रेफरेंस दे के जी असी किसी दे थ्रू गए सीगे, कोई नोन सीगा बेड अवेलेबिलिटी, सो जेकर कंप्लेंट आऊगी तो असी डेफिनेटली एक्शन लवेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद DC साहब, तुसी हमने कीमती समा सानूं दित्ता। धन्यवाद जी साहिल। सो इस साढ़े नाल जलंधर डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोड़ी जिन्होंने सानूं दस्सिया कि किस तरीके दे नाल जिहड़ा है नवे वेंटीलेटर्स जिहड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स नूं फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे, दे नाल नाल वीकेंड लॉकडाउन ते जिहड़ियां अनलॉक दीआं नवीआं गाइडलाइनस आईआं ने खास करके एसेंशियल सर्विसिज दे लई उहनां दे बारे जिहड़ी गल्लबात कीती है, ते नाल नाल जलंधर दे वासियां नूं दरखास्त भी कीती है ते कोरोना तों बचण दी जिहड़ी है उह गल भी कीती है। कैमरा पर्सन सुखविंदर सिद्धू दे नाल मैं साजिद नूरुल्लाह, दैनिक सवेरा TV जलंधर। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडल मियां रफीक मोहम्मद, पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक, इन्हां चोरा ठगां तों सावधान, स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान, फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद, मोबाइल 84374-9647 84374-9648। देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।